हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पे। दोस्तों देखिए, आज मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लास दी आपकी पाँचवीं, ठीक है। तो हर कॉन्सेप्ट क्लास में आपको 20-20 क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। तो 80 क्वेश्चन तक हो गए हैं, तो 80 से लेकर आज मैं आपको 100 तक कराऊँगा, ठीक है। 20 क्वेश्चन कराऊँगा। यदि आपने इनको कॉपी पर नहीं लिखा तो प्लीज़ कॉपी पर लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट है, आपको यदि स्कोर 20 में 20 का करना है प्लीज़, तो आप मतलब कि इनको कॉपी नोट कर लीजिए। ये तो गारंटी, मेरी खुद की गारंटी है कि आप 20 में 18 जरूर ले आएंगे। अगर ये पूरे आप लगा जितना मैं कहता हूँ उतने में आप कॉपी में लिख ले, बस देखिए कॉपी में लिखने चाहिए होगा, आधा आपको याद हो जाएगा, ठीक है। गारंटी की बात कही मैंने, तो आप इनको लिख लीजिएगा, ठीक है। 80 तक मैंने बता दिया था। तो ड्रा का वो जो वर्क की सेकंड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल होती है, जो ड्रे होती है, ठीक है, ये आपको आना चाहिए। और ये क्या है, अप्राइज के बाद में ऑफ लगता है और एंथीपति के बाद में टू लगता है। ये जो प्रपोजिशन है ये आपकी फिक्स प्रपोजिशन है, ठीक है। तो इनको आप कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। वेन ऑफ माने होता है मतलब व्यर्थ होता है, और प्राउड माने होता है गर्व, ठीक है। बस यही दो था। चलिए तो ये 83 तक हो गया। 84 नंबर देखिए जरा क्या है इसमें। देखिए इसका रूल है, ये जो इम्पोर्टेंट मैंने लिखा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए देखिए इसमें ये है कि देख लीजिएगा, दे सेड वी वन द मैच, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा ये बताइए जरा। देखिए आप ये बात ध्यान रखिएगा, जब भी सेड टू होता है तो ही उसको आस्केड या फिर टोल्ड या फिर वार्नर रिक्वायर्ड ए प्रपोस्ड या सजेस्टेड या ऑर्डर, ये सब में चेंज करते हैं जब नियम के हिसाब से, जब जैसा आउट सेंटेंस हो वैसे चेंज करते हैं। लेकिन यहाँ पर केवल सेड है, तो सेड को हमेशा सेड ही रखे रहने देते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन सेड टू होता है तो उसको फिर जैसे जैसा होता है वो डायरेक्ट डायरेक्ट उसी प्रकार से चेंज करते हैं आस्केड और टोल वोल्ड में, ठीक है। तो सेट को सेट में रखे रहने देते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब कंजक्शन ये जो है, ये कॉमन वर्टेड कॉमा जब हटते हैं तो उसकी जगह कंजक्शन लगाते हैं, डायरेक्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और एक सेकंड रुकिएगा, हाँ थोड़ा ऐसे कर लें, एक मिनट रुकिएगा, कॉपी में देखिए नोट कर लीजिएगा प्लीज़, ठीक है। देखिए जब इसको ये आपने लिख लिया, ठीक है, तो फिर वी का चेंज करते हैं तो दे आएगा। अब देखिए हाँ ये बात ध्यान रखिएगा कि वो वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड हो तो उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब बदलते हैं तो उसको किस में बदलते हैं, हैड में बदलते हैं, ठीक है। तो हैड में बदलते हैं, तो हैड लिख दिया, फिर वन द मैच, ठीक है। अब वन क्या होता है, देखिए विन होता है, विन वन वन, तो वन की सेकंड फॉर्म है, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कहा गया है ना कि मतलब नरेटिव क्या है, नरेशन करें तो उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते टाइम हैड लगाएंगे। दोस्तों बस इतना था, ठीक है। अब हैड आपका किस में होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है, मतलब ये ठीक है, तो आना चाहिए सहायक क्रिया होती है जो। देखिए 85 नंबर क्वेश्चन की बात है, ठीक है, सारा डिटेल से मैंने लिखा है, कोई भी आपको वैसे क्वेश्चन नहीं है कि छोटा सा बिल्कुल लिखा हो, सब अच्छे तरीके, ठीक है। टू टेक टू हर्ट, मतलब टू टेक मतलब कि हर्ट माने दिल पे, टेक माने लेना कोई बात, दिल पर ले रहे हैं किसी बात को, तो मान लीजिए अपने आप को थोड़ा महसूस कर रहे हैं ऐसे होता है, ठीक है, तो फील एक्सेसफुली हो जाएगा, ठीक है, तो इनको पढ़ लीजिएगा। चलिए और ये देखिए, हाँ हाँ दोस्तों एक और बात बता रहे हैं दोस्तों, देखिए आप लाइक नहीं करते, पता नहीं क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लास 4 थी जो, उसमें आपने लाइक बिल्कुल नहीं किया, पता नहीं क्यों, क्वेश्चन तो अच्छे लग रहे हैं वैसे, ठीक है लाइक कर दीजिएगा। एलआरसीटी माने क्या होता है, देखिए एलआरसीटी का ये पूछा गया था कि साइनोनियम बताइए जरा, तो 4 ऑप्शन भी थे, लेकिन स्विफ्टनेस आपका ऐसा लग रहा हो कि ये फुर्ती हो ही नहीं सकता स्विफ्टनेस माने, लेकिन आपका क्या होता है, एलआरसीटी माने फुर्ती होता है, स्विफ्टनेस माने भी फुर्ती होता है, और निम्बल माने फुर्तीला होता है, सब साइनोनियम होते हैं, तो इनको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। डिफरे माने होता है अदा करना या चुकाना या बोझ सहना, तो बियर माने भी सहना या बोझ सहना या फिर अदा करना, ठीक है, ये होते हैं। चलिए तो 86 नंबर हो गया, मतलब 87 तक हो गया, 88 नंबर की बात है। VCS माने क्या होता है, VCS को बना लीजिए विष, जो विष से भरा होता है वो बुरा होता है, पापी होता है, पाप करता है, मतलब बुरा पाप, ठीक है। तो नोबल माने होता है महान आदमी जो प्रभावशाली है, ठीक है। और जीरट माने होता है कट्टरपंथी या राष्ट्रवादी, ठीक है। 89 तक हो गया, अब 90 देख लीजिए, हाँ 90 यहाँ पे शायद, हाँ ये 90 था, ये 91 था, हाँ ये 91 90 ए, ये पूछा गया था कि सही स्पेलिंग मोमेंट्री की सही स्पेलिंग मैंने लिख दी है, ठीक है। वो गलत कहाँ आई थी मैं आपको अभी बता दूँगा, मोमेंट्री की सही स्पेलिंग तो आपकी लिखी है जो वो सही है, लेकिन यहाँ डबल एम लिख के आ गया था, ठीक है, तो भैया यही गलत थी, मतलब मोमेंट्री की MOMENTARY, ठीक है। और टोलेंट माने होता है कि उदार या सहनशील, ठीक है, तो 91 हो गया, 92 नंबर की बात है, ठीक है। कितने कराने थे, 80 से लेके 100 तक कराने थे, अभी रुकिए करा रहे हैं, ठीक है। देखिए क्राइसिस का वो जो पुलर होता है वो आपका पता है मुझे को ऐसे होता है क्राइसिस, ठीक है, SES होता है,
ऐसे मत करिएगा, क्राइसिस मत करिएगा, ये भी एक ऑप्शन आता है, पर यही है कि छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो आपकी गलत हो जाती हैं अगर जब तक प्रैक्टिस नहीं करें। क्राइसिस होगा, क्राइसिस हो जाए, क्राइसिस माने होता संकट, कैलमिटी माने भी होता भी पट्टी संकट, पे के साथ में हमेशा फॉर करते हैं, ठीक है। एबाउंड क्या होता है, एबाउंड इन होता है, एबाउंड माने होता है प्रचुर या फिर अधिक मात्रा में। एसिड के बाद में हमेशा टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एसिड टू माने होता क्या है, मान लेना। और हाँ, ये तो थोड़ा ये वैसा क्वेश्चन था, मतलब कि ये वाला क्वेश्चन आप काट दीजिए, रहने दीजिए आप, ठीक है। हाँ, इसके लिए एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन काट लीजिए। मान लो 96 नंबर क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, कॉपी में प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। कॉन्ग्रेचुलेशन के बाद में क्या लगता है बताइए, कॉन्ग्रेचुलेशन के बाद में आपका ऑन का प्रयोग करते हैं, ये फिक्स प्रपोजिशन थी तो मैंने बता दिया आपको। हाँ, ये एक और है, ये थोड़ा इसका अलग रूल है, तो इसको कॉपी में लिख लीजिएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है ये, देख मान लीजिए एक सेंटेंस मैंने दे दिया आपको कि यू मस्ट आंसर द क्वेश्चन। अब मतलब कि ये देखो वॉइस है, मतलब कि एक्टिव पैसिव वॉइस होता है जो दो होते हैं, तो एक्टिव पैसिव वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा आती है, ये बात ध्यान रखिएगा। और मस्ट का मस्ट भी होता है, मस्ट का मस्ट भी होता है, कैन का कैन भी होता है, ये सब ध्यान रखिएगा। तो मस्ट का मस्ट भी होगा, लेकिन इसका ये जो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट यहाँ बनाएंगे तो द क्वेश्चन हो जाएगा, मस्ट का मस्ट भी हो जाएगा, फिर आंसर का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो और कुछ नहीं था, 98 नंबर क्वेश्चन है, 100 तक कराने थे। देखिए 98 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसका पंचुएशन करना था। देखिए पेपर में कभी कभी पंचुएशन आता है या तो रिम्यू टू आता है, पंचुएशन वैसे ज़्यादातर नहीं आता, रिम्यू टू ज़्यादा आता है, ठीक है। ही मिस्टर गुप्ता इज ए कमांडर इन चीफ, तो इसका पंचुएशन करना था, तो ही आपका वाह, मतलब ये अलग है, अलग दिशा आ रहा, वाह है जो मिस्टर गुप्ता, तो मिस्टर में जो ये जो है डॉट मतलब कि मिस्टर में एम बड़ा बनेगा, ये ध्यान रखिए। गुप्ता फिर लिखेंगे, गुप्ता के लिए अलग दर्शा रहे हैं, नाम नाम को जब शो करते हैं तो कॉमा लगाते हैं, ठीक है, इज कमांडर इन चीफ, ठीक है भाई, इतना सरल था। और ये आता नहीं वैसे ज़्यादातर पंचुएशन, कभी कभी कदार आती है तो मैंने देखिए ले लिया, कभी कदार के चांस क्या है कि ये देखिए कभी भी आ सकता, तो इसको पढ़ लीजिएगा। रिट्रीट माने क्या होता है, लौटाना या लौटाना या प्राप्त होना, तो विड्रॉ माने होता है लौटाना, इसका साइनोनियम हो जाएगा। उड़ीएस माने क्या होता है, उड़ीएस माने होता है दुर्गंध युक्त, अब नोक्सियस माने होता है दुर्गंध युक्त, ये साइनोनियम होगा कि नहीं होगा, तो उड़ीएस और ओबनोक्सियस माने होता है दुर्गंध युक्त, ठीक है। तो ये सब देखिए, ये 100 नंबर तक क्वेश्चन मैंने करा दिए, 20 कॉन्सेप्ट क्लास थी, मतलब कि 20 क्वेश्चन करा दिए कॉन्सेप्ट क्लास के, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, और मुझे पता लाइक नहीं करते पर ठीक है, देख लीजिएगा।